आज देश की तिरंगा का मान बढ़ाने वाली बहन बेटी आज सड़क पे बैठी हुई है, देश का युवा सड़क पे बैठा हुआ, देश का किसान सड़क पे बैठा हुआ। रानी वही कर रही है जो संघी का आदेश नागपुर से आ रहा है। कोई महिला अपने सम्मान की बात करती है तो उसके करैक्टर पे सवाल उठा देते हैं। आरएसएस को डर लग रहा है, सबने सहयोग दिया था मंदिर बनाने में, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या उसका महंत कोई दलित बनेगा? वो लोग आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं जिन्होंने आरक्षण के बल पर पला और बढ़ा है। बात कीजिए लालू यादव की, बात कीजिए कांशीराम की, बात कीजिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, बात कीजिए पेरियार की। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अगला जो प्रधानमंत्री होगा ना, वो कोई पिछड़ी जाति से होगा या कोई नारी होगी या कोई दलित समुदाय से होगा। सबका साथ सबका विकास हो रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री जी का योगदान है दंगाई बनाने में, प्रधानमंत्री जी का योगदान है बेरोजगारी बढ़ाने में। जेल से नहीं डरता जब भगत सिंह, सुखदेव, अशफाकुल्ला नहीं डरा। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का जनहित आवाज में स्वागत है। मेरे साथ हैं सुमित शर्मा, हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से जो है एक पत्रकार ने, दैनिक भास्कर के एक पत्रकार ने स्मृति ईरानी से सवाल किया कि आप यहाँ आई हैं तो आप कुछ जनता के लिए बोल जाइए, तो उस पर स्मृति ईरानी का जवाब था कि आप हमारे जनता का अपमान कर रहे हैं। तो सुमित शर्मा से हम पूछना चाहेंगे कि क्या, किस तरीके से देख रहे हैं, स्मृति ईरानी ने सच कहा? ये स्मृति ईरानी का जो वहाँ पे जो वाक्य था, हाँ, वो कहीं ना कहीं संघी की सोच निकल के बाहर आ गई। जो संघी का सोच मनवादी सोच है वो बाहर के निकल गई। मनवादी सोच इसलिए कहता हूँ मैं, जब भी जनता की आवाज़ आती है, जब भी हक की आवाज़ आती है, जब कोई मीडिया या कोई आम जन अगर सवाल पूछता है ना, तो उन पर कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, संदेह करते हैं और सवाल करते हैं। आ तो उन्होंने चौथे स्तंभ को किस तरह से उन्होंने हत्या करी है, और एक स्मृति ईरानी ने करी है, तमाम उनके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने निरंतर मंच के माध्यम से उन्होंने किया है। और उन्होंने क्या किया है, कभी आरक्षण की बात करते हैं, कभी कभी बात करते हैं नारी सम्मान के ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, कभी बात करते हैं पंथ के नाम पे धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करते हैं, और बात जो अगर कोई युवा रोजगार की बात करेगा तो उसको कहीं ना कहीं नक्सल बताने का काम करते हैं, कोई युवा अपने अधिकार की बात करेगा तो उसको आतंकवादी बता देते हैं, कोई महिला अपने सम्मान की बात करती है तो उसके करैक्टर पर सवाल उठा देते हैं। और ये निरंतर चल रहा है, और गोदी मीडिया कर रही है, निरंतर कर रही है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का एक ही काम है किस तरह से मनुवादी की विचारधारा को पूरे भारतवर्ष में क्या करा जाए, प्रचार प्रसार किया जाए, आप दलितों की आवाज को नहीं उठाया जाए। तो उनके बाद फिर उसको जॉब से निकाल दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, और फिर उन्होंने कहा वही स्मृति ईरानी जो कल सिलेंडर लेके चला करती थी, और आज भी जनता का आवाज उठा रही है, आप उन पे शक कर रहे हैं, उन पे इस तरह की लांछन लगा रहे हैं। सुनिए, वो जनता की आवाज नहीं उठा रहे हैं, जो संघ, सुनिए, उठाती थी, ये बात बिल्कुल सही बात है, वो आज काम आज उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सब कुछ चंगा है, देश चल रहा है। आज देश का छात्र सड़क पे है, किसान, सुनिए, आपने कहा सब कुछ चल रहा सही चल रहा है, आज देश की तिरंगा का मान बढ़ाने वाली बहन बेटी आज सड़क पे बैठी हुई है, देश का युवा सड़क पे बैठा हुआ, देश का किसान सड़क पे बैठा हुआ, देश की महिलाएं सड़क पे बैठी हुई है, देश के वो तमाम जो नौकर साहब वो सड़क पे बैठा हुआ, देश के तमाम इंस्टीट्यूशन सड़क पे बैठा हुआ, और आपके देश सही चल रहा है, आप ये बताइए। और दिल्ली के अंदर उनका काम क्या है, उनका काम यह है कि देश के अंदर प्रवहन किया जाए। ने भी बोल दिया है कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो राहुल गांधी जन सैलाब जो कर रहे हैं वो फिर बहुत बड़े स्तर पे ये सब करेंगे और फिर जनता में फिर से दोबारा सत्ते में बैठ जाएंगे। तो उन्होंने, आरएसएस ने भी मोदी सरकार को कहा है कि आप सुधर जाओ, इस पे आप क्या कहेंगे? सुनिए, आरएसएस को डर लग रहा है क्योंकि आरएसएस की जो शाखाएं ना जो फील्ड पे लगती है और फील्ड की हकीकत आरएसएस को पता चल रहा है, किस तरह से जनता ने अब जवाब मांगना स्टार्ट कर दिया है और जनता ने हकीकत को जाना है और समझा है, तो कहीं ना कहीं आरएसएस और तमाम संघी को लग गया। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, पीछे के रास्ते से तो ये वही काम करेंगे मनुवादी को खुश करने का, और आगे के रास्ते से क्या करते हैं, जैसे राष्ट्रपति कभी बना देंगे दलितों को, लेकिन उसी दलितों के नाम पे पूरे दलित समुदाय और आदिवासी समुदाय को अपमान करने का काम भी करेंगे। आप ये बताइए, राम मंदिर के अंदर सबने सहयोग दिया था मंदिर बनाने में, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या उसका महंत कोई दलित बनेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ किसी भी मंदिर में जाने का इजाजत किसी दलित को मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं दलित झाड़ू लटका के आगे में हांडी लेने के ही काबिल है, बस वो तो ब्राह्मण आए ऊपर से वो पूजा करेंगे कि दलित पूजा करेगा। सुनिए, आप लोग पत्रकार महोदय का काम ही तो यही है
कि वैदिक काल की जो विचारधारा है उसको देश के अंदर प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि आप लोग कभी संविधान को माना नहीं, क्योंकि संविधान के आने से देश की हकीकत को निकला और ताकत को अपना ताकत निकल गया ये देश के अंदर। आप ये बताए संविधान के आने के बाद तमाम इंस्टीट्यूशन में तमाम पिछड़ी जाति और दलित जाति ने भागीदारी दिखाया और उस भागीदारी में जीता भी है, लेकिन आप लोग वो है जो 3000 साल तक आरक्षण लेकर काम करते रहे और आपके विरोधी में किसी को खड़ा नहीं होने दिया, लेकिन आज उन्होंने कहा जिसका अधिकार है उसी का हक है। आज उसको आप लोग क्या चाह रहे हो कि नहीं मेरा शासन चलेगा क्योंकि मैं लोकशाही को मानने वाले लोग नहीं हूं, और ये काम पत्रकार कर रहे हैं क्योंकि पत्रकार आपके हाथ से ये जो माइक है वो हटके चली जाएगी, क्योंकि ये किसी दलित के हाथ में जाएगा क्योंकि उसको अधिकार है। अधिकार इसलिए कहूँ क्योंकि उसके काबिल बन गया है ये सारे लोग। और आप ये बताइए, मैं बात एक ये पत्रकार महोदय आपकी बात नहीं करो, पत्रकारिता की बात नहीं करो, तमाम वो क्षेत्र है जहां आप खेल में देख लीजिए मेडल लाने वाले कौन से उससे आते हैं, आप ये बताइए नौकरशाह में देख लीजिए कौन से लोग काबिल हैं, आप ये बताइए तमाम वो लोग हैं जो अपने कार्य के दम पर और लोगों के ऊपर। तो आपके अंदर टैलेंट भी तो होना चाहिए तभी तो आपको नौकरी मिलेगी, बिना टैलेंट के आप आरक्षण पे जाएंगे क्या? आरक्षण से ही आप नौकरी? सुनिए सुनिए, मैं कह रहा हूँ वो लोग आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं जिन्होंने आरक्षण के बल पर पला और बढ़ा है, और वो लोग आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं जो आरक्षण के दम पर ही पूरी जिंदगी बिताई है। कैसे बोल सकते हैं वो लोग आरक्षण ले रहे हैं? आप ये बताइए शिक्षा के क्षेत्र में 3000 साल तक विद्यालय में किसको जाने का अधिकार था? आपको नहीं पता ब्राह्मण केवल अपना शिक्षा ग्रहण करता था, कोई पिछड़ी जाति और दलित जाति का जब उसकी हत्या कर दी जाती थी? आपको नहीं पता है कि आप आरक्षण के दम पर बाजार में अगर कोई दुकान खोल लेता था वैसे समाज के अलावा कोई, तो उसकी हत्या कर दी जाती थी? आपको नहीं पता है कोई देश की रक्षा के लिए तलवार उठाता था कोई दलित और आदिवासी और पिछड़ी तो उसकी हत्या कर दी जाती थी? प्रधानमंत्री भी तो ओबीसी है, सुनिए क्यों दिक्कत हो रहा है? सुनिए, कथित ओबीसी और वास्तविक ओबीसी में विविधता है, इस बात को समझिए। वास्तविक ओबीसी समाज के वो लोग हैं जिन्होंने अपने अधिकार के लिए जान न्योछावर किए देश के लिए। आप बात करो राम नरेश यादव, बात कीजिए कमिश्नर कुशवाहा को पूरे रैली में उसी सामंती लोगों ने दिनदहाड़े गोली मार दी थी, आप बात कीजिए लालू यादव की, बात कीजिए कांशीराम की, बात कीजिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, बात कीजिए पेरियार की, बात कीजिए सावित्रीबाई की, बात कीजिए उन छत्रपति शिवाजी साहू जी सबकी बात कीजिए, आप में पेरियार की बात कीजिए, और बात तो आप कहते हैं सामंत सामंती में भी बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने आप चाहे कितना भी चिल्ला लीजिए आएंगे तो मोदी जी ही, क्योंकि अभी राम मंदिर के पुजारी ने कहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री आएंगे, मोदी जी आएंगे, क्योंकि राम की उन पे कृपा है। आज देश में ना तो मीडिया डिसाइड करेगा कौन अपराधी है, आज देश में कोई बाबा डिसाइड नहीं करेगा कि बाबा तो डिसाइड करेंगे, सुनिए शास्त्री आए हैं चमत्कारी, यही बात कर रहा हूँ। आज देश लोकतंत्र की हत्या किस लिए कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज किसी को अपराधी है या नहीं मीडिया साबित कर देता है, कोई देश के लिए कौन आतंकवादी है कौन आतंकवादी नहीं है बाबा डिसाइड कर देता है, आज देश में किसको रहना है नहीं रहना है वो संत डिसाइड कर देते हैं, आज देश में किसको आवाज उठानी है कौन अपने हक की लड़ाई करेगा ये जो मंदिर के महंत है वो डिसाइड कर देते हैं। तो आप ये बताइए कहाँ संविधान जिंदा है? आपको मैं बताऊं कि अभी एक रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया है कि पुजारी जो है, मतलब जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है, वो तो बोले हैं कि जो मैं पाकिस्तान जाके भी हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, लेकिन एक रिपोर्ट में दिखाया गया है कि कई सौ ईसाइयों को आज धर्म परिवर्तन यानी कि घर वापसी कराया गया, इस पे तो खुश होंगे हिंदू हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब ने भी एक बात कही थी, पहले तो ये डिस्क्राइब कीजिए कि हिंदू में वो तमाम पिछड़ी जाति और दलितवादी कहाँ एडजस्ट करेंगे, पहले तो ये डिसाइड कीजिए हिंदू राष्ट्र में। आप ये बताइए जब राष्ट्रपति महोदय को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं मिलती है उसी हिंदू समुदाय से आने के बावजूद, तो आप ये बताइए उस हिंदू का हकीकत क्या है? आप ये बताइए राष्ट्रपति जब शपथ लेती है उनका शुद्धिकरण किया जाता है, तो आप ये बताइए वो हिंदू में एडजस्ट कहाँ करते, एक मुख्यमंत्री की आवाज का शुद्धिकरण किया? आप शुद्धिकरण की बात कह रहे हैं तो जब कर्नाटक से बीजेपी की सरकार हटी, जब खत्म हुई कांग्रेस की सरकार आई, तो वहां भी गौमूत्र से धोया गया, वहां की सभा भी गौमूत्र से धोई, तो कांग्रेस भी तो वही कर रही है। सुनिए, मैंने एक चीज आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, कांग्रेस कहीं ना कहीं आरएसएस की माँ है
और भारतीय जनता पार्टी उनके पिताजी बनके काम कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों के जो तमाम नेता हैं वो सामंती लोग ही है। इसलिए देश के अंदर, क्योंकि गोदी मीडिया जो बैठे उनमें तमाम वो सामंती लोग अपनी विचारधारा। तीसरा कौन बनेगा प्रधानमंत्री इन दोनों के अलावा, तीसरा कौन होगा? तीसरा देश में जग जाहिर नहीं है क्या? आप ये बताइए, जो पढ़े लिखे नेता है उनको आप अनपढ़ से संज्ञान दिया था, लालू प्रसाद यादव को जो पटना यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट था, क्या पत्रकार महोदय आपको नहीं पता है कि आप लोगों ने प्रचार प्रसार करके देश के लोगों में क्या माइंड फीड किया था? आप ये बताइए, तो राहुल गांधी को भी पप्पू कहा जाता है। सुनिए मेरी बात सुनिए, क्यों किया जाता है कि उन्हें पता चल गया था कि कांग्रेस के खिलाफत और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत जो उस टाइम के कांग्रेस थी उन तमाम जो नेता थे आज भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गए और उनके जो तमाम जो सामंती थे, क्योंकि पिछड़ी जाति लोगों ने समझ लिया कि कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया था, दलितों ने भी समझ लिया, नारियों ने समझ लिया, लेकिन हम लोगों ने समझने में ये गलती कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में भी वही नेता जाके शिफ्ट हो गए। और अगला जो प्रधानमंत्री होगा ना वो कोई पिछड़ी जाति से होगा या कोई नारी होगी या कोई दलित समुदाय से होगा। और आज पूरे देश के जो समुदाय है, पूरे देश की जो जनता है, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए प्रधानमंत्री उसको बनाएगा जो 90% जो 90% लोग हैं उनके अधिकार की बात करेगा, 10% वाले के साथ नहीं होगा, क्योंकि हमने तो लड़ाई है उस चीज के लिए। फिजदी वाले क्या करेंगे? और लोग, आप कह रहे प्रधानमंत्री वो बनेगा, केजरीवाल कह रहे मैं बनूंगा, केजरीवाल के समर्थक आज लाखों की संख्या में यहाँ आए, वो बोल रहे केजरीवाल को बनना चाहिए क्योंकि बिजली और पानी फ्री दे रहे हैं। सुनिए, आप जिसको फ्री की बात कर रहे हैं वो हमारा मानवाधिकार है। आप ये बताइए, मेरी सैलरी अगर 10,000, पहले क्या आपने ये बताइए केरोसिन का तेल क्या सब्सिडी पे नहीं मिलता था? और आप एक बल्ब और एक पंखा देकर अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके लिए अगर बिजली फ्री मिल रहा है तो आप उसे सवाल या निशान उठा रहे हैं? आप ये बताइए, शिक्षा फ्री नहीं है? सब पढ़े सब बढ़े। आप अगर वो आज सबका साथ सबका विकास हो रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं हो रहा है। भारत का नाम इस पटल पे रोशन हो रहा है या नहीं? आप कह दीजिए ना, आपको 56 इंच का सीना बर्दाश्त नहीं हो रहा? मैं कह रहा हूँ 56 इंच का सीना कहाँ चला गया जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 11 कस्बों का नाम बदल दिया और अपने नक्शे में दिखा दिया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे ही पत्रकार महोदय, 56 इंची सीना उस समय कहां चला गया जब सिक्किम के अंदर डोकलाम में आकर चाइना बैठ गया? जब 56 इंची का सीना कहां चला गया? लद्दाख के ऊपर कब्जा कर चुका है चाइना। आप कहते 56 इंची का सीना। आप ये बताइए, तमाम जो उद्यमी है, तमाम उद्यमी चाइना जाके शिफ्ट हो रहा है और चाइना के जो उद्यमी है भारत आके शिफ्ट हो जा रहे हैं और भारत में कहीं ना कहीं आर्थिक गुलामी बना लिया है चाइना ने और आप चाइना के खिलाफत देश के प्रधानमंत्री भी पैर छू रहे हैं प्रधानमंत्री का, हमारे प्रधानमंत्री का। आप सुनिए, ये पहली बार हुआ है क्या? भारत को अगर जाना जा रहा है विश्व पटल पर तो गांधीवाद के नाम पर जाना जा रहा है और दूसरा अंबेडकरवाद के नाम पर जाना जा रहा है। आज अगर देश को जाना जा रहा है तो गौतम बुद्ध की धरती के नाम से जाना जाता है। आज अगर देश को जाना जाता है तो देश को जाना जाता है लोकतंत्र की आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगर देश को जाना जाता है, कह रहे इसमें हमारे प्रधानमंत्री का कोई योगदान नहीं है। सुनिए, प्रधानमंत्री का योगदान है भाईचारा खात्मे में, प्रधानमंत्री जी का योगदान है दंगाई बनाने में, प्रधानमंत्री जी का योगदान है रोजगारी बढ़ाने में, प्रधानमंत्री जी का योगदान है धार्मिक उन्माद फैलाने में, प्रधानमंत्री जी का योगदान है संविधान की हत्या करने में और प्रधानमंत्री जी का योगदान है लोगों का शोषण करने में। अच्छा, आपने बोला धार्मिक उन्माद, लेकिन प्रधानमंत्री को आपने देखा होगा दरगाह भी जाते हैं, वो गुरुद्वारे भी जाते हैं, वो मंदिर भी जाते हैं, वो तो भाईचारे की एक तरीके से संदेश दे रहे हैं। सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी जी वही जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और शमशान और कब्रिस्तान पे चुनाव नहीं लड़ते हैं क्या? वही प्रधानमंत्री कर्नाटक जाता है तो बजरंगबली और हिंदू बजरंगबली और बजरंग दल के नाम पे चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाता है। वही प्रधानमंत्री जब महाराष्ट्र के अंदर जाता है तो आपको नहीं पता है कि विदर्भ के जो जनता उनको अपमान करने का काम नहीं किया? आप ये बताइए, वही प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर तो दलितों का अपमान करने का काम नहीं किया? और आप कहते हो प्रधानमंत्री जी हर जगह जा रहे हैं। आप ये बताइए, वही प्रधानमंत्री जी जब बंगाल के अंदर जाते हैं तो 24 परगना के जो लोग हैं उनको गाली देने का काम नहीं करते हैं? आप किसकी बात करते हो? जिसने भाईचारे का खात्मा किया उसको कहते हो कि वो सबका विश्वास की बात कर रहा है? आप ये बताइए, ये देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने देश के अंदर खुले मंच से उन्होंने धार्मिक उन्माद और भाईचारा वायरल हो रहा है प्रधानमंत्री का, जिसमें प्रधानमंत्री का जो कलम है वो पेपर में टच नहीं हो रहा है। आपने देखा नहीं होगा या देखा है,
टच नहीं हो रहा है, वो लिख रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? मैं यही तो कहना चाहता हूँ, अगर आप ये बताइए, अगर देश के पास राजा जो बोलते हैं केजरीवाल, वो सही बोलते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस अंबेडकर को गाली देने का काम वो तमाम जो सामंती लोग कहते हैं कि जिसके पास 34 डिग्री है वो तो अनपढ़ हो जाएगा, और जिसने 5वीं पास नहीं किया वो देश का ज्ञानी, विज्ञान का ज्ञानी है, पूरे विश्व का ज्ञानी, वैदिक का ज्ञानी, ये कहाँ का संदेश है, कहाँ का नजरिया? टच नहीं हो रहा है, कलम टच नहीं हो रहा। मैंने उसी पर जिनको लिखना ही नहीं आता उसको तो पीएचडी का ऑनर बता दोगे, और जिसने 34 पीएचडी करे हो, और जिनके मैं कह रहा हूँ उनके एक डिग्री के बराबर मादा नहीं रखता हो है, और उनको आप क्या कहोगे, यही देश को बेड़ा गर्क करेगा। आखिरी सवाल सुमित, कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने उस पत्रकार से बात किया और दूसरी उसका नौकरी चला गया, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हो सके तो कल आपकी भी नौकरी चली जाएगी अगर ऐसे सवाल करोगे तो, इसलिए आप लोग निष्पक्ष हो जाइए, ये देश की जनता की मांग है, ये भारत की मान और शान के लिए ये मांग है। आज आपको जो देश की और केंद्र की जो सरकार है उसके सवाल पूछने का काम मीडिया को होना चाहिए, और देश की जनता के हित में सवाल पूछिए, चाहे आपकी नौकरी ही क्यों ना चला जाए। तमाम आप भी ज्यादा बोले, आप भी जाएंगे जेल में। सुनिए, आप मुझे जेल में डाल दीजिए और मुझे आतंकवादी कह दीजिए, आप मुझे नक्सलवादी कह दीजिए, लेकिन जो देश की जनता और समानता और एका की बात आएगा ना, तो सुमित शर्मा हमेशा खड़ा रहेगा और जेल से नहीं डरता। जब भगत सिंह, सुखदेव, अशफाकुल्लाह नहीं डरा, तो मैं तो एक छोटा सा सुमित शर्मा हूँ जिसको कोई जानता भी नहीं है, इसलिए मैं कोई डरने वाला नहीं हूं। अगर मुझे हत्या भी कर दी जाएगी तो मैं देश की तिरंगा के लिए जिंदा स्वीकार करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा हमने सुमित शर्मा से बात की, इन्होंने तमाम सवाल के बहुत तरीके से, बहुत सलीके से जवाब दिया। आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने उस पत्रकार को धमकी दी और दूसरे ही दिन उस पत्रकार की नौकरी चले जाना, कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है खतरे में कहने वाली बात सही हो रही है? अब पत्रकार सवाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? कोई एक्टर करेगा? यही हो सकता है कि कोई एक्टर को पत्रकार बना दिया जाए और वो सवाल करें। यही शायद बीजेपी की जो है नीति है और यही वो अपनाना चाहती है। अगर पत्रकार सवाल करता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है आज के दौर की, आजकल की सवाल ही नहीं कर सकते आप। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।